स्टार्ट हो लो। अच्छा ग्रेस पर बना रहे हो। अच्छा कर ना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेस कर आ दूर कर ले सब। अब इसको तरवा खोल ले, तरवा खेला कर वो तवा न तो देख तोरा हम बता रहे छु विशाल। घीच ले बता, घीचा को। अरे बिजड़िया मैं ना ना नहीं ले। अरे अम्मी हटबे है काम। अरे ऊपर करो मोबाइल। अरे ना दा तो करो नहीं बोली डिजिटल बुढ़ावे सब जान ना जान तो इन्ने की ध्यान तो हम तोरे तोरे देख तो लाइक और फॉलो सब्सक्राइब सब देता है। जाओ ना जाओ तोरे कहिया करबो स्टार्ट छे फूल आबी रहे पूरा बैकग्राउंड मारन त निम्नलिखित कथनों पर विचार करें इसका केवल एक सही पढ़ देते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल संबंध है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था गुरु पुरुष। ऑप्शन ए निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई यथा सप्तसती। ऑप्शन डी सही सही ना मुद्रा राक्षस नीतिसार और योगाचार। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज का था। ऑप्शन डी राजा भोज। ब्राह्मणी राज्य की मुद्रा थी हून। ऑप्शन बी दीवान ए रियासत का संबंध किस शासक से है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी मुगल काल में करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी अकबर के समय। नंबर यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह उक्ति 1857 के क्रांति के संबंध में किस विद्वान का है जेम्स अल्टरमैन। ऑप्शन डी दस नंबर छह निम्नलिखित में किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है। ऑप्शन सी मोपला विद्रोह। कौन कौन छा पढ़ी दी छा ए नंबर सेटलर आयोग और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध और रॉलेट एक्ट पारित। दर्शक पूरी ग्लार हो हिंदी बोले पूरी ग्लार में लोड होतो आगे आइए माइक लीजिए उसे पढ़िए कौन से कौन है तो बहुत वो आवाज चल रही हां चल रही सब ऐसे माइक दोनों का आप नाम है समाचार पत्र पक्का प्रकाशन किससे संबंधित है पकड़िए अगर कौन होते बोलो मुझे कर ला जाए प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कौन किससे संबंधित है। ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे हैं रास बिहारी बोस। ऑप्शन ए वर्ष 1923 में गठित भारतीय छटनी समिति का संबंध किस विभाग से है। ऑप्शन बी शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु सच्चा पदसा कहलाएं। ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से निम्नलिखित युद्ध का सही कर्म कला अनुकर्म क्या है। पहला यानी कि करनाल का युद्ध हुआ था, फिर दूसरा है जो गिरिया का युद्ध, चौथा फिर है जो तीसरा पलासी का युद्ध और चौथा बेदरा का युद्ध। ऑप्शन सी एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है। ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। संविधान सभा का कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ऑप्शन ए लोकसभा के शर्त का स्थगन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। स्टॉप भी होना चाहिए थोड़ा देर।